नमस्कार फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था चुंबकीय धारावाही क्षेत्र के कारण उसके प्रकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उससे आगे विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। दोस्तों, इसके अंदर जैसा कि दोस्तों मैंने एक वृत्ताकार लूप बनाया है, इसके अंदर जो मैग्नेट है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो हार पर निर्भर करता है। इससे यह साबित होता है कि वृत्ताकार लूप में
केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती होगी। देखिए दोस्तों, इसके अंदर पहले क्या है कि केंद्र पर कम क्षेत्र है, जैसे जैसे हम इसे दूर चलेंगे तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बढ़ता जाएगा। देखिए, जैसे ऊपर की दिशा में देख लो, जैसे नीचे की दिशा में देख लो, जैसे एन या एस उत्तर और दक्षिण कोशी दिशा में देख लो, चुंबकीय क्षेत्र जो लगातार बढ़ रहा है, इससे यह होता है कि जो धारावाही चालक तार का लूप प्रास है वो अपने केंद्र से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि करता है और केंद्र की ओर आने पर कमी करता है। ठीक है, यह था वृत्ताकार पास, यानी चालक तार को वृत्ताकार लूप में प्रयोग करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो इस प्रकार है। ठीक है, बता लीजिए। अब जो इसमें अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा की याद करने के लिए हम अपना वो पहले क्लास में पढ़ा था ना दक्षिणा हस्त नियम, उससे हम इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने कल बोला था कि जो ये अंगूठा है ये चुंबकीय धारा की दिशा को और ये जो अंगुलियां हैं ये क्षेत्र को दर्शाती है। तो इसमें देखिए आप, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है और ये जो धारा है ये इसमें आप नीचे देख सकते हैं, इधर सकती है धारा की दिशा। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे पढ़ेंगे प्रणालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई प्रणालिका लेंगे उसके अंदर जो प्रवाहित धारा होगी उसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे।
दोस्तों इसके अंदर करना क्या है कि आपको तांबे के तार से बनी हुई एक प्रणालिका लेनी है और उसके अंदर से विद्युत स्रोत से धारा प्रवाहित करनी है उस पर लपेटकर, जिसके अंदर जो पास बनेगा वो इस प्रकार होगा। देखिए आप एस से एन की ओर, यानी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय धाराएं प्रवेश करेगी और एन की तरफ से बाहर निकलेगी, और जैसे इसके अंदर ये इसे जस्ट विपरीत होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा प्रणालिका के भीतर भीतर वो एक समान होगा, और जो बाहर होगा वो असमान होगा। हम इसका उपयोग विद्युत चुंबक बनाने के काम में ले सकते हैं प्रणालिका को। ठीक है, ये था आपका प्रणालिका में प्रवाहित धारा का चुंबकीय क्षेत्र। अब इसे आगे हम पढ़ेंगे, इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे हम चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक तार पर बल, यानी चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखेंगे और उस पर जो बल लगेगा उसको ज्ञात करेंगे, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो में उसे सुधार कर सकें और जो भी आपकी सुझाव होंगे उनमें अमल किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।